तो सबसे पहले बात करते हैं हेलमेट की। तो हेलमेट में जो पहले चालान होता था वो 100 रुपये का होता था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की, तो यदि पहले ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर आपको 500 रुपये का फाइन देना होता था, वहीं अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर 5000 रुपये का फाइन देना होगा। अब बात करते हैं टू व्हीलर पर ओवरलोडिंग की, तो टू व्हीलर पर ओवरलोडिंग होने पर पहले आपको 100 रुपये का जुर्माना लगता था, वहीं पर अब आपको 2000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। यदि ड्राइविंग करते समय आप फ़ोन पर बात करते हैं तो पहले आपको 1000 रुपये का जुर्माना होता था, वहीं अब आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। बात करते हैं शराब पीकर ड्राइविंग करने की, तो यदि आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो आपको 6 महीने की सज़ा या 10000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। यदि आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो आपको 2 साल तक जेल या 15000 रुपये का जुर्माना देना होगा। बात करते हैं बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर कितने का चालान होगा, तो बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर आपको 2000 रुपये का चालान रखा गया है। अब बात आती है नाबालिग के गाड़ी चलाने पर क्या जुर्माना होगा, तो इसके पहले कोई कानून नहीं था, लेकिन अब जो नया रूल आया है उसके मुताबिक जो नाबालिग है उसको गाड़ी चलाते वक्त पकड़े जाने पर या दुर्घटना हो जाने पर बच्चे के अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा और उन्हें 25000 का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। अगला जो जुर्माना है खतरनाक ड्राइविंग से लेकर के, अगर खतरनाक ड्राइविंग करते समय पकड़े जाने पर आपको 6 से 1 साल तक की सज़ा प्लस 1 से 5000 रुपये तक का जुर्माना होगा। अगर आप वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं तो ऐसा ना करने पर, सीट बेल्ट ना बांधने पर आपको पहले 100 रुपये का जुर्माना होता था, वहीं अब आपको 1000 रुपये का जुर्माना होगा। कृपया कर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।